गुड आफ्टरनून। देखिए, साइंस का एक टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक आज हम आप लोग को बताएंगे, और जो टेक्नोलॉजी है वो आप अच्छे से जानते भी हैं कि इसरो वाला टॉपिक है। इसे हम लोग कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग इसको समझेंगे अंतरिक्ष क्या होता है। जब अंतरिक्ष को समझेंगे, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ आपने देखा कि वायुमंडल है, वायु का सघन आवरण है। ठीक है ना, तो जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ पे इसको वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहा गया। इसके बाद एटमॉस्फेयर का ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, है ना। तो अब इसका जो तमाम जो निर्धारण किया गया है कि अंतरिक्ष की सीमा रेखा कहाँ से मानी जाए, जैसे अब वायुमंडल में आपने देखा होगा कि क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फियर है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल है, तो बहुत ऊंचाई तक है। लेकिन अंतरिक्ष आयु जो विश्व का है उसने एक निश्चित सीमा रेखा का मानक बनाया है। उस निश्चित सीमा रेखा को कहते हैं कारमान रेखा, है ना। तो कारमान रेखा जो है 100 किलोमीटर ऊंचाई पर मानी गई। तो इसके ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग, अंतरिक्ष बोलते हैं। पृथ्वी से ऊपर चलेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो आकाश बोलेंगे। आकाश का रंग नीला होता है, प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष का रंग काला होता है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस अंतरिक्ष में अन्वेषण करना है, जानकारी करना है, इसलिए अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, इसरो है, है ना। अगर देखा जाए तो जो अंतरिक्ष हमारा है वो पहले 3D माना जाता था, 3 डायमेंशन है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। लेकिन आधुनिक जो तमाम के भूगोलवेत्ता हैं या वैज्ञानिक हैं, खगोलविद हैं, तो उन्होंने अंतरिक्ष को 4D माना, चौथी विमा समय है। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, चौथी विमा क्या है, समय है, टाइम को माना। ठीक है ना। तो अब अंतरिक्ष में जो होता है वो पहले तो इसका अगर बात किया जाए तो थोड़ा इतिहास को देख लें हम लोग। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो इतिहास में आपने देखा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को 1962 से आप जानते हो कि विक्रम साराभाई ने थुम्बा में विषुवत रेखा थुम्बा इक्वेटोरियल से शुरू किया था। और जो शुरुआत में जो बना था वो देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, है ना, इनकॉस पर था। इसके बाद में अगर देखा जाए 15 अगस्त जो है 1969 को इसरो बना। तो ये दो बातें तो ये हो गया, कब इसरो बना, कब इनकॉस पर थी, मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, और कब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना। तो इसरो बना पूछा जाए तो कब बना, तो आपने कहा इसरो सर अगर देखा जाए तो 15 अगस्त को बना, है ना, पर 15 अगस्त को 1969 में बना। तो इसके बाद में इनकॉस पर यानी कि समिति कब थी, तो वो 62 में बनी थी। दूसरी बात क्या हो गया कि इसका अगर देखा जाए तो 2 साल बाद 1972 में जो मई का महीना था उस समय अंतरिक्ष आयोग बना। तो मई 1972 में अंतरिक्ष आयोग बना, और सितंबर 1972 में अंतरिक्ष विभाग बन गया, है ना। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान दिया कि विभाग कब बना, आयोग कब बना। अब बात ये आती है कि अगर इंडियन वे में हम बात करें तो आप जो इंडिया का एक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आउटलाइन, आप लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ की बात किया जाए तो ये आपका जो स्टेट है वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, आप इसको जानते हो, मतलब पुलिकट झील है, इसमें एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा पे क्या है, तो आपने कहा कि सर सार है, SHR, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका नया नाम है और सार इसका पुराना नाम है। ठीक है, श्रीहरिकोटा एल्टीट्यूड रेंज उसका फुल फॉर्म है, और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो इसका नया नाम 2002 से हो गया। तो दैट मीन्स ये हमारा जो सार है, श्रीहरिकोटा है, वो लॉन्चिंग पैड है। जो भी सैटेलाइट छोड़ा जाएगा वो कहाँ से छोड़ा जाएगा, पहली बात यही समझिए कि श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। तो आपको इसको याद नहीं करना, जब कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जाएगा तो कहाँ से, श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। अगर भारत नहीं छोड़ पाता है तो भारत का कमिट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन के द्वारा। तो एरियन का लॉन्चिंग पैड है फ्रेंच गुयाना में, है ना, दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है। फ्रांस का कब्जा है गुयाना पे, तो फ्रेंच गुयाना होगा तो वहां से छोड़ा जाएगा या भारत से छोड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपने कहा अगर छोड़ा जाएगा तो पहली बात तो कहाँ से छोड़ा जाएगा ये देखना है, पहली बात आपको डेट देखना है। तो कोई भी डेट को छोड़ा गया, अब बात आती है किसके द्वारा छोड़ा गया। तो जो सैटेलाइट की श्रृंखला थी उसमें सबसे पहले थे SLV, जो श्रृंखला थी वो SLV था, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। तो SLV के बाद में फिर ASLV आया, मतलब एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल संवर्धित आ गया। इसके बाद में PSLV आया, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया। इसके बाद में GSLV आया, यानी कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया। तो जो SLV था और PSLV था, यानी कि बेट की कैपेसिटी बहुत कम थी,
इस समय इनका प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना। इस समय या तो आपने देखा तो पी एस एल वी का यूज होगा या जी एस एल वी का यूज होगा, ठीक है ना। और जो पहले यूज हुए तो जो सबसे पहला था जो 1979 में 18 जुलाई है ना 1980 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो ग्रह जो रोहिणी उपग्रह जो आर एस स्पष्ट को छोड़ा गया था, ए एस एल वी को अगर देखा जाए तो ये आपके दो असफल हुए थे 24 मार्च 1987 को और 13 जुलाई 1988 को, और बाद में जो सफल हुआ वो 20 मई 1992 को सफल हुआ। स्ट्रॉस श्रृंखला का उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद अब प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो या तो पी एस एल वी है या क्या है आपका जी एस एल वी है ना, या तो पी एस एल वी सैटेलाइट है या जी एस एल वी सैटेलाइट है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे पी एस एल वी क्या है और जी एस एल वी क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर पी एस एल वी से या जी एस एल वी से कोई सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है तो कहाँ से छोड़ा जाएगा, श्रीहरिकोटा से, इतना तो आप जानते ही हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि एक पी एस एल वी क्या है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल है, एक क्या है साउथ पोल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि देशांतर है, ये देशांतर तो रेखा अगर फिगर है, तो अगर वृत्त अगर पूरा ग्लोब है तो ये वृत्त है। तो जो देशांतर जो वृत्त है ना, तो ऐसे पृथ्वी। तो अगर पी एस एल वी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है क्या सारे व्हीकल है ले जाने वाले, तो अगर पी एस एल वी जाता है तो सैटेलाइट वो कहाँ पर ध्रुव पर छोड़ेगा, है ना। मतलब ये जो सैटेलाइट है वो देशांतर रेखा का अनुसरण करेगा, देशांतर वृत्त का अनुसरण करेगा, है ना। तो वो पी एस एल वी हो गया, ठीक है ना। जी एस एल वी तो भूमध्य रेखा के चारों तरफ छोड़ा जाएगा, जैसे पृथ्वी घूमती है उसका अनुसरण करेगा, तो वो जी एस एल वी हो गया। अब बात ये आती है कि जो सैटेलाइट है अब तक जो वाहन है वो आपने देखा कि चार वाहन बनाए गए, एक तो आपका पी एस एल वी है, एक ए एस एल वी है, एक पी एस एल वी है, एक जी एस एल वी। तो पी एस एल वी हमारा क्या है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है, क्योंकि दो ही बार विफल हुआ, आज तक कोई आपका विफल नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका जी एस एल वी हो जाएगा पी एस एल वी के अलावा। तो ये दोनों रॉकेट हैं। अब रॉकेट कहाँ छोड़ा गया, तो आपने कहाँ पहली बार तो क्या छोड़ा, क्या गया वाहन को देखना आपको, कौन सा वाहन गया, तो आपने कहा कि सर या तो एस एल वी था या ए एस एल वी था या पी एस एल वी था या जी एस एल वी था, तो एक गया कहाँ, तो एक कक्षाएं हैं। अब पृथ्वी के कहाँ पर छोड़ा गया, निचली कक्षा है कि मध्यम कक्षा है कि भूस्थैतिक कक्षा है कि भू, है ना, आपका भूस्थैतिक कक्षा हो जाएगा, भूतुल्यकालिक हो जाएगा, है ना, ये भूतुल्यकालिक कक्षा है, तुल्यकालिक, ठीक है ना, जियोसिंक्रोनस, या आपका भूस्थैतिक कक्षा है कि सूर्यतुल्यकालिक है। तो अब निम्न कक्षा जो होती है वो 200 मीटर से देखा जाए तो 2000 मीटर तक की जो कक्षा होती है वो न्यू मतलब लो अर्थ ऑर्बिट है, LEO है, उसमें जो होता है उन सैटेलाइट को छोड़ा जाता है जिन सैटेलाइट में कैमरा लगा होता है, जैसे जैसे यहाँ पे जो आपका देखा जाए तो GPS सिस्टम है या ग्लोनास है, या आपने कहा कि तमाम जो नीचे वाले में कैमरा होगा, आप समझिए एक मध्यम भू कक्षा होती है, तो नीचे वाली कक्षा 200 से 2000, मध्यम कक्षा 2000 से लगभग 35,786 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में जो भूतुल्यकालिक होती है तो वो अंग्रेजी का 8 जैसा बनाती है, लेकिन वो आ जाती है यहीं पे, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका भूतुल्यकालिक कक्षा है, लगभग 35,786 या लगभग 36,000 आ जाएगा इसमें, है ना, इक्विवेलेंट आ जाएगा। भूस्थैतिक कक्षा स्थिर रहेगी वो 36,000 में। तो तमाम सैटेलाइट हैं जो कि जिसमें ट्रांसपोंडर लगे होते हैं वो आपके किस कक्षा में छोड़े जाएंगे, तो सबसे ऊपर वाली कक्षा में भूस्थैतिक कक्षा में छोड़े जाएंगे। ऐसा तो वो कक्षा होती है जो हमेशा सूरज के सामने, कोई भी सैटेलाइट हुआ तो हमेशा सूरज के सामने रहेगा, सूरज से पीछे नहीं हो सकता है, वो कक्षा क्या हो गया SSO। और भूतुल्यकालिक स्थानांतरण की G2 वो है जैसे मंगलयान है, तो पहले पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहा, मतलब जो इसका जो पथ है वो एक एक बड़ा होता जाएगा, एक छोटा होता जाएगा, मतलब इसको जैसे मंगल पर स्थानांतरित करना है या आपने कहा कि सर चंद्रमा पर स्थानांतरित करना है, तो वो GTO कक्षा हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो सैट क्या छोड़ा गया वो सैटेलाइट, अभी सैटेलाइट के बारे में हमने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि किससे जाना है। तो वाहन है, एक आपने देखा कि SLV वाहन है, एक ASLV है, एक PSLV है, एक GSLV। जाना कहाँ है, तो आपने कहा कि निम्न भू कक्षा है या मध्यम है या भूतुल्यकालिक कक्षा है या भूस्थैतिक कक्षा है या सूर्यतुल्यकालिक है या भूतुल्यकालिक, यानी कि GTO कक्षा है। अब बात ये आती है कि जो जा रहा है उसमें अगर देखा जाए तो जो आपका ये पहला जो सैटेलाइट है SLV है वो चार चरण वाला है, और चारों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग होता है, और कम कैपेसिटी थी इसकी, 40 किलोग्राम ही इसको ले जा सकता था पेलोड, पेलोड मतलब जो भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी बात ASLV को
थोड़ा बढ़ गया, 106 किलोग्राम हो गया, 5 चरण वाला था ये, इसमें भी ठोस ईंधन का प्रयोग होता था। और इसके बाद में जो PSLV बहुत हमारा वर्क हॉर्स है, कभी विफल नहीं हुआ, इसी से मंगलयान, इसी से चंद्रयान फर्स्ट भी गया था। तो जो PSLV है उसमें 4 चरण, तो पहले और तीसरे में ठोस है और दूसरे और चौथे में द्रव है ना। तो कभी आपको याद रखना है तो पहले और तीसरे में ठोस, दूसरे दा से दूसरा, दा से द्रव और चौथे में द्रव है। इसी प्रकार से एक आपका देखा जाए तो 1750 SSO में ले जा सकता है और 1450 GTO में ले जा सकता है। आगे हम बहुत चर्चा करेंगे।